हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लोटस हर्बल वाइट ग्लो 3-in-1 डीप क्लींजिंग स्किन वाइटनिंग फेशियल फोम फेस वॉश का रिव्यू और डेमो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी लोटस हर्बल की। तो आप नाम ही देख सकते हो, लोटस हर्बल ये जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है। लोटस हर्बल आप नाम देख सकते हो, तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इस वजह से ये जो फेस वॉश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है, तो आप इसे बिल्कुल भी बेझिझक ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे इस फेस वॉश की। तो ये जो फेस वॉश है वो 3-in-1 डीप क्लींजिंग स्किन वाइटनिंग फेशियल फोम है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे तीन इन्होंने पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट इज़ डीप क्लींजर, सेकंड इज़ वाइटस एंड थर्ड इज़ ब्लॉक मेलानिन प्रोडक्शन। ये आपके तीनों समस्याओं को हल कर देता है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन ऑयली है, ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो अब हम बात करेंगे इसके जो मेन इंग्रेडिएंट वो है एलोवेरा जेल एंड मिल्क एंजाइम। तो आप देख ही सकते हो नेचुरल इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल और मिल्क एंजाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एलोवेरा के बारे में। तो एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सभी को पता है। एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन के ऊपर की जो डर्क है, डार्कनेस है, डलनेस है, सभी को रिमूव करता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू करती है। तो एलोवेरा जेल जो है वो सबसे अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है एलोवेरा जेल। और इसमें एलोवेरा जेल है गाइस, तो ओवरऑल इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये आपकी स्किन को ग्लो करती है गाइस। और मैं अभी आपको इसे कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देती हूँ। तो इसकी जो प्राइस है गाइस मैं आपको डेमो में बता दूँगी। तो चलिए डेमो शुरू करने से पहले मुझे फेस को पहले पानी से वॉश करना पड़ेगा, देन हम इसे अप्लाई करेंगे। तो गाइस मैं अभी फेस को वॉश करके आपसे मिलती हूँ। तो फेस को मैंने पानी से वॉश कर लिया है। फेस वॉश यूज़ करने से पहले हम इस फेस वॉश के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो फेस वॉश है आप देख सकते हो, इसका पैक इतना सा है और इसमें जब गाइस ये आप लेते हो तब ये प्लास्टिक कोटेड रहता है, इसमें कोई भी बॉक्स अवेलेबल नहीं रहता है। तो प्लास्टिक कोटेड जो था उसे मैंने पहले ही रिमूव कर लिया था। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे आपको बस इतना सा हाथ में ले लेना है। तो आपको मैं बता दूँ इसका जो कलर है वो है थोड़ा सा वाइट और बिल्कुल शैम्पू जैसी इसकी स्मेल आती है। अगर आपने क्लिनिक प्लस शैम्पू वगैरह यूज़ किया होगा तो सेम इसकी स्मेल भी वैसी ही आती है। लेकिन डोंट वरी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है। बस आपको इसे आपके स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। और अच्छे से मसाज कर लेनी है। तो फेस वॉश जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसे वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो फेस को मैंने वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो मैंने इसे टॉवल से जो है वो पोंछ लिया है। आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। और अच्छे रिजल्ट के लिए गाइस आप इसे सुबह शाम दोनों टाइम पे जैसे मैंने अप्लाई किया था सेम वैसे ही अप्लाई करना है और आपकी जो स्किन है वो अच्छी सी ग्लोइंग दिखना चालू हो जाएंगी और जो भी डार्कनेस है, डलनेस है, डर्ट है, इसे ये जो है वो रिमूव करता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करता है गाइस। तो ओवरऑल ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बेसिकली मैं पहले अपने आप पे इसे इस्तेमाल करती हूँ, देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसकी जो प्राइस है वो है 155 रुपीज़ और ये 50 ग्राम का पैकेज है। तो आप भी इस फेस वॉश को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जिनको स्किन वाइटनिंग करनी होगी तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है। अगर गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।